और मैं चाहूंगा कि आप इतने में अगर आपका कोई डाउट हो, आप कोई बात पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज बताएं। ये डबल एल था पहले वाला जो रूल है वो क्या कह रहा है कि अगर रिपीटिंग लेटर्स हैं, जैसे कि ये जब मैंने पेयर बनाया तो यहाँ पे दोनों रिपीटिंग लेटर्स आ गए, और रिपीटिंग लेटर्स को हटाने के लिए हमने, मतलब बीच में आप ये मान के चले कि मैंने यहाँ से एक ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसके बीच में मैंने एक बोगस कैरेक्टर एक्स जो मैंने यहाँ पे ज्यूम कर रखा था उसको इंसर्ट कर दिया, तो अब मेरे पास ये क्या बन गया, ये बन गया HELXLO, राइट। अब जब मैं पेयर बनाऊंगा तो वो LX और LO इस तरीके से पेयर बन जाएंगे। तो आपको एक कॉलम में हमेशा बिलो चेक करना है, तो यू विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स एंड जेड विल बी रिप्लेस्ड बाय एल, ठीक है, तो आपका ओके इंक्रिप्शन आएगा XL। ओके सर, देखिए अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम इस पेयर में जाएंगे और यहाँ पे एक बोगस कैरेक्टर को हम इंसर्ट कर देंगे एक्स को, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, AX AB BC CD D, और यहाँ पे एक एक्स और ऐड कर देंगे इसको इवन करने के लिए। यस अब्दुल राफी, जो डिस्टिंक्शन बोगस कैरेक्टर एक्स और एक्स में है, ये काफी हद तक कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, कॉमन सेंस पे इस तरीके से कि आप जब भी इसको क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये चीज पहले से मालूम है, एल्गोरिदम का पार्ट है ये कि एक बोगस कैरेक्टर उसमें होगा, तो अगर आपको सारे टेक्स्ट सही मिलना शुरू हो गए हैं और एक जगह आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ गलत आ रहा है, तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ ये बोगस हो सकता है, इसको मैं रिमूव करके देखूं, आप रिमूव करेंगे तो फिर आपको हो सकता है जो वर्ड मिले वो कुछ सेंस बनाए, ठीक है, तो आप पहले तो मैप करेंगे जितने भी एक्स मिलेंगे आप सारे एक्स जनरेट करेंगे प्लेन टेक्स्ट में, अगर आप साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर आप एक कॉमन सेंस एनालिसिस भी उसमें परफॉर्म करेंगे कि कहाँ कहाँ पे एक्स बोगस की तरह यूज हो सकता है और कहाँ वो एक्चुअली वर्ल्ड का पार्ट हो सकता है।